हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर मैं अपने गार्डन में आपको लेके आई हूँ, थोड़ा गार्डन की सैर कराती हूँ आपको। और ये देखिए कि मैंने उस दिन जो सीड्स डाली हुई थी, आज वो थोड़े थोड़े अंकुरित हो गई हैं, तो बस मैं वही आपको दिखाने के लिए लाई हूँ अपने गार्डन में। तो आप देखिए, अभी 1 वीक नहीं हुआ है शायद, तो इसमें जो और फ्लावरिंग हो रही थी तो मैंने इसके फ्लावर हटा दिए हैं। ये देखिए फिर से इसमें आ गए हैं दो। ये देखिए, ये हमारा डेलिया का है। और ये देखिए, ये क्लांचू में फ्लावरिंग भी होने लगी है। और ये हमारी दो मिर्ची लगी हुई हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है, ये शुगर का है। तो इनके मैं बार बार बताती रहूँगी, इनके प्लांटों पे जो भी होगा, जो बेनिफिट्स होंगे वो मैं आपको बताऊँगी। बट आज बेनिफिट्स नहीं बता रही हूँ, आज सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो मैंने सीड डाले हुए थे वो अंकुरित हो गए हैं, और जो मैंने पेड़ों की छटाई कर दी थी उनमें भी नई कोपले आ गई हैं। तो ये देख लीजिए, ये सुंदर रूपा है, जट रूपा, सुंदर रूपा, इसकी मैंने छटाई कर दी थी। उस दिन आए थे ना हमारी माली अंकल, तो उन्होंने छटाई कर दी थी। देखिए इसमें नई कोपले आ गई हैं। और ये हमारे गुजारा नींबू में ये बहुत फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा। ये शायद धूप की वजह से आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, बट इसमें बहुत फ्लावरिंग हो रही है। जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत फ्लावरिंग हो रही है। तो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा फल आते हैं, बहुत फल आते हैं इसमें। और ये हमारा है स्नैक प्लांट, और ये हमारी है मोर पंखी। एक्चुअली मोर पंखी है ना, तो इसमें भी हमारे सीड्स आ रहे हैं, ये देखिए। तो ये मैं सारे सीड्स हटा देती हूँ, अभी छोटे हैं, पकड़ने में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं हटाऊँगी ना तो मेरा प्लांट ये ग्रोथ नहीं करेगा, हेल्दी नहीं होगा। अगर आपको सीड्स रखनी है तो आप एक आदि इसमें ब्रांच में आप रख सकती हैं, अदरवाइज आप इसको हटा सकते हैं सब। तो मैंने सारे हटा दिए हैं। और ये मैंने इसकी अमरूद की छटाई कर दी थी, तो देखिए अमरूद में भी नई कोपले आ गई हैं। ये देखिए आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये उसमें अमरूद बहुत आए थे हमारे। और ये आ गई हैं हमारी जो मैंने सीड्स डाले थे ना, ये देखिए ये अंकुरित हो गए हैं, ये आपको दिखाई पड़ रहे होंगे ना, ये देखिए ये अंकुरित हो गए हैं, ये आ गए हैं ना। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए। तो हमारे सारे में अब कुछ दिन के बाद में हमारा पूरा प्लाट, ये पूरा गार्डन हरा भरा हो जाएगा, एकदम से ग्रीनरी इनमें हो जाएगी। और ये हमारे लेमन में भी देखो फ्लावर आ रहे हैं, ये देखिए, तो उसमें लेमन भी लगेंगे। एक्चुअली लेमन जो है ना हमारा, ये 12 मासी नहीं है, ये सिर्फ एक ही बार आता है बस। लेकिन हमारी जो बजरा नींबू है ना, वो हमारा बहुत अच्छा है, वो उसमें भी काफ़ी आते हैं, बस वो भी एक ही बार एक सीजन में आता है। बट शरीफा ऐसा जो है वो हमारा 12 मासी है। ये देखिए कितने अंकुरित हो रहे हैं, शायद आपको दिखाई पड़ रहे हों, मैं पास से ले जाके दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल पास से दिखाती हूँ ले जाके। ये देखिए दिखाई पड़ रहे हैं ना, दिखाई पड़ रहे हैं ना, है ना। अब मैं इधर को आ जाती हूँ। एक्चुअल में आज मैंने सारे प्लांट में पानी लगाया है, उस दिन मैंने खाद डलवाई थी ना, तो आज मैंने इसमें पानी लगवा दिया है। अपने हाथ से ही मैंने सारा पाइप खोल के सिंचाई की है। और ये देखो इसमें भी नई कोपले आ गई हैं, मैंने उस दिन सारा इसको हटा दिया था, माली ने सब कुछ हटा दिया था इसको, आज फिर से नई कोपले आ गई हैं। और ये देखिए इस वाले में हमारे, ये देखिए इसमें हमारे नई फ्लावरिंग हो रही है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा ना, ये मैंने उस दिन लगाई थी ना, ये फ्लावरिंग हो रही है ना, कितना अच्छा लग रहा है देखिए आप। और ये मैंने लगाया था उस दिन पत्थर चट्टा, तो ये पत्थर चट्टा भी हमारा ये लग गया है प्लांट, देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी सारे प्लांट मेरे सही हो जा रहे हैं। इसमें देखिए नई कोपले आ गई हमारे, ये हमारा रोज का है ना, नई कोपले आ गई हैं, तो आप देख सकते हैं ना, इसमें भी देखो नई कोपले आई हैं, ये और इसके साथ में फ्लावर भी आ रहे हैं छोटे छोटे, देखिए ये एक साथ आएंगे, तो उस दिन मैंने छांट दिए थे। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलती हूँ, आपके साथ फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, जब और थोड़े से ये सीड्स और थोड़ा बड़े हो जाएंगे प्लांट तब, ठीक है ना। तो जब तक के लिए याद चाहूँगी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सत श्री अकाल, नमस्कार। और अगर आपको सखी गार्डन की गार्डनिंग पसंद आती है तो आप सखी गार्डन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
और अपना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, इसको आप शेयर ज़रूर करें। ओके, तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर डियर।